से धन्यवाद करते हैं कि आप सब ने बाबा के लिए समय निकाला, उन्हें याद किया और उनसे इतने प्यार के बाद आप यहाँ पर हमारे बीच आज हमारे साथ हैं। मैं इनवाइट करना चाहूँगी अपने साथ उमेश फिरमानी जी को, जो कि एक एक्टर, मॉडल और एंकर हैं और उनकी हाल ही में एक नई मूवी आ रही है, रोल साउंड कैमरा एक्शन। आज ये उनका 1070वां एपिसोड है, तो मैं इनवाइट करती हूँ उमेश फिरमानी जी हमारे साथ। जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार उनके लिए। और हम दोनों का साथ देंगे अंकुश मदान जी व शोभा गुप्ता जी। धन्यवाद रूमा जी। ओम साई राम। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत एक जयकारे से करते हैं। जोरदार जयकारा मुझे आप लोगों की तरफ से चाहिए, जो कि आप मेरे साथ कहेंगे श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की। धन्यवाद। आज की इस भजन संध्या में साईं की बेटी रूमा कपूर व उमेश फिरमानी आप सभी साईं भक्तों का स्वागत करते हैं। आज का यह कार्यक्रम श्री नवनीत अग्निहोत्री जी के पूजनीय पिताजी स्वर्गीय श्री वाई डी शर्मा जी की याद में आयोजित किया जा रहा है। अपने समय में वे बाबा के सीनियर मोस्ट डिवोटी के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने रोहिणी साईं मंदिर के प्रेसिडेंट बनकर बाबा की बहुत सालों तक सेवा की। आज का ये कार्यक्रम हम बाबा को समर्पित करते हैं और शुरुआत करने से पहले ओम साई राम सभी एक बार बोल दीजिए प्लीज मेरे साथ। ओम साई राम। ओम साई राम। क्या बात है, बाबा के सारे भक्त सब चाहने वाले यहाँ एकत्रित हैं। इतनी अमेजिंग एनर्जीज, इतने ऑसम फ्रीक्वेंसीज और इतने अमेजिंग वाइब्रेशंस के साथ बहुत ही खूबसूरत माहौल आज हम कोशिश कर रहे हैं और बन चुका है। मेरा नाम उमेश फिरवानी है और आज का ये कार्यक्रम, जैसे मैंने आपको कहा, ये स्वयं बाबा साई बाबा ने ही ऑर्गेनाइज किया है और इस कार्यक्रम को चार चांद लगाने के लिए हमारे साथ हैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट श्री नवनीत अग्निहोत्री जी, जो कि एक 6 फीट की लाइफ पेंटिंग, बाबा की लाइफ पेंटिंग हमारे सामने यहाँ बनाने वाले हैं। तो आज बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा एक माहौल हम बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि बाबा का शताब्दी वर्ष शुरू होने जा रहा है और यह कार्यक्रम नवनीत अग्निहोत्री जी व सभी साई भक्तों की तरफ से बाबा को शुक्रिया करने के लिए है कि थैंक यू बाबा जी, आपने हमें इस काबिल समझा, अपने चरणों में हमें स्थान दिया और इस मौका, इस सेवा का मौका दिया। आज सभी कलाकारों व साई भक्तों को एक जगह एकत्रित कर बाबा ने हमें बहुत 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 एक अच्छी शुभकामना, या क्या कहेंगे इसे रोमा जी? जी, हमें बिल्कुल उनका ही आशीर्वाद है कि आज हमें ये, उन्होंने ये मौका दिया, ये सेवा दी कि हम सब बाबा के भजनों को अपने भक्तों के सामने प्रस्तुत कर सके। और एक छोटी सी हमारी, मैं आपको बता दूं इस कार्यक्रम का आगे हम क्या करने जा रहे हैं। जैसा कि उमेश जी ने बताया कि नवनीत जी एक 6 फीट की लाइव पेंटिंग बनाएंगे बाबा की आपके सामने, उसके साथ ही आप सबने बाबा के भजनों की बहुत से एल्बम्स देखी व सुनी होंगी, पर आज के इस प्रोग्राम का मुख्य आकर्षण है बाबा की भजन एल्बम साईं नवरंग का लॉन्च। इस बात पे एक तालियां तो बजती है। जैसा कि आप ये जान रहे हैं कि इस एल्बम के नाम के मुताबिक इस एल्बम में 9 भजन हैं। ये एल्बम आर्टिस्ट नवनीत अग्निहोत्री जी के लाइव व पेंटिंग करियर पर आधारित है। इस भजन एल्बम की खासियत ये है कि इसमें 9 भजन 9 अलग-अलग सिंगर्स ने गाए हैं। वे विश्व विख्यात सिंगर्स हैं, जो कि जिन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग डिफरेंट स्टूडियोज, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कनाडा, अलग अलग स्टूडियोज में अलग अलग भजनों की रिकॉर्डिंग की गई है। यह सभी आर्टिस्ट जानी मानी हस्तियां हैं और इनका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, पर इन सबको साथ रख एल्बम बनाना एक बहुत कठिन पर अद्भुत कार्य था। सभी सिंगर्स का नवनीत अग्निहोत्री जी से प्यार व अपनेपन से
ये कार्य संभव हो पाया है, जिसके लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं। ये एल्बम है तो नवनीत अग्निहोत्री जी के जीवन पर आधारित, पर इन भजनों से सभी साईं भक्त कहीं ना कहीं अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि हर इंसान अपने आप में एक कलाकार है और इन भजनों का हर शब्द साईं की महक से सराबोर है। मैं उम्मीद करती हूँ महेश जी आप भी यही मानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और एक छोटा सा किस्सा मैं हमारे प्यारे दोस्तों से शेयर करूंगा आपसे। यहाँ आने से पहले कल मैं फ्लाइट लेकर यहाँ दिल्ली पहुँचा, और आने की एक शाम पहले मुझे एक चैनल से कॉल आया। मैंने एक टीवी शो के लिए ऑडिशन दिया था 2 महीने पहले, और मुझे फ्लाइट से कुछ घंटे पहले ही उनका कॉल आया कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं चैनल में और आपको मेन लीड दिया जा रहा है और आपकी जो शूटिंग है परसों से चालू है, यानी कि आज से चालू है। क्या बात है। बहुत खूब। बाबा का यही तो चमत्कार है कि वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। पर रूमा जी, ये उनकी एक परीक्षा थी अपने भक्त की। बाबा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, और मुझे बहुत ही टेम्पटिंग लगा कि मैं उनको कहूं कि हाँ मैं शूटिंग करूंगा, मैं आ रहा हूं, पर मैंने कहा बाबा जी के लिए मैंने अपने आप को ऑलरेडी समर्पित कर दिया है इस मंच के लिए। तो बाबा जी की एक छोटी सी परीक्षा थी, तो आपके साथ भी कई परीक्षा हुई होंगी यहाँ पर आने तक, पर आप यहाँ पर आके। उमेश जी, मुझे आपके लिए और बाबा की तरफ से एक शेर याद आ रहा है। जब तेरी रहमत पे मेरी नजर जाती है, जब तेरी रहमत पर मेरी नजर जाती है, तो मेरे साई मेरी आंख भर आती है। तुम दे रहे हो मुझे इतना, तुम दे रहे हो मुझे इतना कि हाथ दुआ के लिए उठने से पहले ही झोली मेरी भर जाती है। रिस्पेक्टेड सुधीर दलवी जी, जिन्होंने 1977 में श्री मनोज कुमार जी द्वारा निर्मित फिल्म शिरडी के साई बाबा में बाबा का किरदार निभाया था, उनकी आवाज से इस एल्बम की शुरुआत होती है, जिसके लिए हम विपिन अनेजा जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने मुंबई में श्री सुधीर दलवी जी की रिकॉर्डिंग का सारा अरेंजमेंट खुद ही किया। इस एल्बम के सभी भजन सिंगर्स द्वारा बहुत खूबसूरती से गाए गए हैं, और हर शब्द दिल को छू जाता है। इस कार्यक्रम का एक और आकर्षण है दोस्तों, नव साई रतन अवार्ड्स 2017। बाबा की कृपा से यह बिल्कुल यूनिक अवार्ड्स हैं, और पहली बार इस तरह के अवार्ड्स से सम्मानित किए जा रहे हैं। कुछ लोग आपको जीवन में बहुत प्रेरित करते हैं। आज हमारे बीच कुछ ऐसी ही जानी मानी हस्तियां हैं, साई भक्त हैं, जिनसे हम बचपन से ही बहुत प्रेरित हुए हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है और आज भी सीख रहे हैं। जी हाँ, मैं इन शख्सियत के बारे में यही कहना चाहूंगी कि ये शख्सियत ऐसे हैं जिन्हें दिन रात उठते बैठते सोते जागते सिर्फ बाबा ही दिखते हैं, और वे बाबा के ही कार्यों में मग्न रहते हैं। साईं से सजदा ऐसे करो, साईं से सजदा ऐसे करो कि साईं धड़कन में बसने के लिए खुद आ जाएं। साईं से सजदा ऐसे करो कि साईं धड़कन में बसने के लिए खुद आ जाएं। सांस भी लो तो साईं नाम की खुशबू आए। साईं से भक्ति का नशा आंखों पर ऐसा छा जाए। बात कोई भी हो पर नाम मेरे साईं का आए। जी हाँ, इन सभी महान शख्सियत ने समाज के लिए बहुत कार्य किए, और बाबा का प्रचार कर लोगों को बाबा से जोड़ने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। इन सभी हस्तियों की अपनी एक अलग रुतबा है, एक अलग पहचान है। बाबा ने खुद इन्हें चुना हुआ है, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज ये सब हमारे बीच उपस्थित होंगे। तो ये अवार्ड हम सब की तरफ से इन्हें सम्मानित करने की एक छोटी सी कोशिश है। आप इस कार्यक्रम को फेसबुक लाइव पर भी देख सकते हैं, आर्टिस्ट नवनीत अग्निहोत्री जी के पेज पर ये लाइव जा रहा है, और हम सारे व्यूअर्स, सारे नवनीत जी के फैंस के बहुत आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने इनके पेज की व्यूअरशिप को लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में अब इनको नवाजा है और इन्हें प्यार दिया है। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं आर्टिस्ट नवनीत अग्निहोत्री जी के पेज पे अगर आप जाएंगे
तो हर पोस्ट, हर वीडियो, हर प्रोमो लाखों करोड़ों लोगों ने देखा और सराहा है, जिसके लिए नवनीत जी की तरफ से आप सभी साई भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अब हम इस इंट्रोडक्शन के बाद अपने मेन कार्यक्रम पे चलते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर कार्य का शुभ आरंभ गणेश जी के आशीर्वाद से ही होता है, तो हम भी आज के इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी विश्व विख्यात सिंगर आदरणीय कुमार विशु जी। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है कुमार विशु जी का, ये स्टेज पर हमारे साथ हैं और अब हम इनसे निवेदन करते हैं कि ये गणेश मंत्र से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। एक जोरदार तालियां बजा दीजिए, बाबा का ये कार्यक्रम है और बाबा की एनर्जी आप सब में दिखनी चाहिए। जोरदार तालियां और एक बार जोर से जयकारा, ओम साई राम। जनों का मैं कहूंगा, क्योंकि मेहमान हमारे आज सबसे बड़े हमारे सतगुरु साईनाथ महाराज हैं,
जिनके चरणों में सजदा करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं। मैं अंकुश मदान अपनी को एंकर शोभा गुप्ता जी के साथ आप सभी का खैर मकदम करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बाबा के दरबार में। एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा आज का जो कार्यक्रम है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा के लिए है, तो जब हम यहाँ आए हैं तो क्यों ना बाबा के नाम से अपनी अपनी हाजिरी बाबा के चरणों तक पहुँचाएं। एक बार मिल करके कहिए सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। देखिए हॉल है, संख्या चाहे कितने भी हो, भक्तों की भक्ति में कमी नहीं होनी चाहिए। एक बार ऊंची आवाज में कहिए सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। सजदा करो जहां, सजदा करो जहां वहां साई दिखाई दे, सर को उठाऊं तो शिरडी दिखाई दे। रब करे ऐसा इश्क हो जाए, रब करे ऐसा इश्क हो जाए, आंखें बंद करूं तो साई दिखाई दे। ओम साई राम। मैं शोभा गुप्ता आई। जैसा कि हिंदू धर्म के अनुसार हमने सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी के चरणों में आराधना की, वंदना की, कि कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले ये एक रीत है, उस रीत को हमने निभाया है। आइए इसी के साथ बाबा की एक छोटी आरती करते हैं, बाबा को भी याद करते हैं और बाबा के चरणों में भी वंदना करते हैं कि बाबा आप स्वयं आकर के इस कार्यक्रम को, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और हम सभी बच्चों का, हम सभी का हौसला बढ़ाएं। शिरडी माझे पंढरपुर साई बाबा रामावर, बाबा रामावर साई बाबा रामावर, शुद्ध भक्ति चंद्र बाबा अब पुंडलिक जागा, पुंडलिक जागा अब पुंडलिक जागा, याहो याहो अपने जन करो बाबा सी वंदन, साई सी वंदन करो बाबा सी वंदन, कर माने बाबा साई अब भाव माझे आई, अब भाव माझे आई, काली लोटांगण बनली न चरण तोलाइन पारिन रूपम तुझे, प्रेमे आलिंगन आनंद पूजे भवे उपालिन मने नम, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, कायेन वाचा मनसेन्द्रियेव हृदयतना वा प्रकटि स्वभाव, करो ये सकलं परस्मै नारायणयादि समर्पयामि, अच्युतं केशवं राम नारायणं विशुदामूर्तं वासुदेव हरि, श्रीरं मार्वं गोपिकावल्लभं कलिकीनायकं रामचन्द्र भजे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, श्री ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा और आप सभी का भी साथ हमें चाहिए, क्योंकि आप सब भी यहाँ इसी मकसद के लिए आए हैं जिस मकसद से हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारा सभी का मकसद है कि आज बाबा के नाम से, बाबा के संकीर्तन से, बाबा के कीर्तन से अपनी अपनी ज़िंदगी को पवित्र करना है, अपनी अपनी जीवा को पवित्र करना है। जय साईं राम। जय साईं राम।